नमस्कार, मैं कमल शर्मा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैं आपके सामने जो है एचएस इकोनॉमिक्स में जो प्री एग्जामिनेशन है उसकी एनालिसिस लेके आया था, किस तरीके के जो सवाल जो है हमें हाल के समय में जो है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इकोनॉमी के देखने को मिल रहे हैं। और मैंने आपसे उस क्लास में एक वादा भी किया था कि आने वाली क्लासेस में अब हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लेके आएंगे, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किन बेसिस पे बनाए गए हैं, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमने एनालिसिस किया है उन बेसिस पे जो है वो बनाए गए हैं, और सेम उसी फॉर्मेट में बनाए गए हैं जिस फॉर्मेट में जो है वो आपके पास हाल फिलहाल के समय में एचपीपीएससी आपसे पूछ रहा है। यानी आपको जो है वो एग्जाम के लिए पूर्णतः तैयार करने की जो है वो तैयारी यहाँ पर की जा रही है। यहां से आपको दो तीन चीजें जो है वो सीखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज जो आपको सीखने को मिलेगी कि किस तरीके के किस पैटर्न पे जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पैटर्न पे किस तरीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, और उसके बाद अगर उस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं तो क्या आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके भी आंसर निकाले जा सकते हैं या नहीं निकाले जा सकते हैं, उस पर भी हमारी डिस्कशन रहेगी। तो यहाँ पे आपको जो है आज हम 10 क्वेश्चन का जो सेट लेके आपके पास आए हैं, जो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग, मॉनेटरी पॉलिसी और बजट से रिलेटेड होंगे, जिससे आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो हिंट है वो यहाँ से मिल सकती है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से मिलेगी। इसलिए आपको इस सेशन में अंत तक बने रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। ठीक है, हम जो है वो पहले सवाल के साथ जो है शुरुआत कर रहे हैं। पहले सवाल में दो स्टेटमेंट दी गई है, पहले उन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट लिखी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रूटीन एक्सपेंडिचर एंड डू नॉट क्रिएट एसेट्स। कहा गया है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है सरकार का वो रूटीन होता है और वहां से एसेट कोई क्रिएशन जो है नहीं होता है। सबसे पहली बात आपको जो है छोटी सी इंफॉर्मेशन में दे दूं कि एसेट और लायबिलिटी में कुछ फर्क होता है। मुझे मालूम होगा कि शायद आपको याद भी हो पता भी हो, लेकिन अगर मैं बेसिक डिफरेंस एसेट और लायबिलिटी के बीच में आपको बता दूं तो एसेट हर वो चीज जो सरकार की जेब में पैसा भर रही है हम बोलते हैं कि वो एसेट है, और लायबिलिटी जो सरकार की जेब से पैसा निकाल रही है हम कहते हैं कि वो सरकार के लिए लायबिलिटी है। ये बेसिक जो डेफिनेशन है मैंने आपको बता दी। दूसरी स्टेटमेंट लिखी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लीड्स टू रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। कि सरकार के ऊपर अगर कोई लायबिलिटीज है कोई बोझ है उसका रिडक्शन भी जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हो जाता है। मैं आपको पहले बता दूं कि जो रेवेन्यू हमारे पास एक वर्ड होता है उसका जो इन हिंदी में अगर हम बोलें कि जैसे अगर हम बोलते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो रेवेन्यू वाला पार्ट हमेशा ही हम मानते हैं कि एक छोटा एक्सपेंडिचर जो है सरकार का होने वाला है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये सरकार का बड़ा एक्सपेंडिचर यानी अमाउंट में एक बड़ा एक्सपेंडिचर होने वाला है। तो जो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसकी दो स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी दो स्पेसिफिक कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि इट हैज क्या होता है रूटीन एक्सपेंडिचर होता है, मतलब नो एसेट क्रिएशन। इससे क्या होता है क्योंकि रूटीन एक्सपेंडिचर अगर हम आपसे बात करें, रूटीन एक्सपेंडिचर होता है सैलरीज पे, रूटीन एक्सपेंडिचर होता है पेंशन पे, रूटीन एक्सपेंडिचर होता है जो एग्जिस्टिंग रोड्स है उनकी मेंटेनेंस पे या एग्जिस्टिंग स्कीम्स की मेंटेनेंस के लिए। तो रूटीन एक्सपेंडिचर हम बोलते हैं जिन्हें हम आए दिन जो है वो करना पड़ता है। अगर मैं अपने घर के बात करूं तो घर में क्या रूटीन एक्सपेंडिचर होता है, दूध आपको लेनी पड़ती है, ब्रेड आपको लेनी पड़ती है, आपको जो है अगर कोई लस्सी का शौकीन है तो उसको लस्सी लेनी पड़ती है, उसके लिए एक रूटीन एक्सपेंडिचर है। उससे ऐसा तो नहीं है कि घर का कोई एसेट निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है, रूटीन एक्सपेंडिचर है जो आपको आए दिन करनी पड़ती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी क्या होता है कि इससे कोई एसेट का क्रिएशन नहीं होता है क्योंकि ये रूटीन एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, क्योंकि ये रूटीन एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये रूटीन एक्सपेंडिचर है उस वजह से सरकार की जो लायबिलिटीज होती है, सरकार के पास मोस्टली लायबिलिटीज कौन सी होती है, लोन रिपेमेंट की। सरकार के पास जो मेजर लायबिलिटी होती है वो लोन रिपेमेंट की होती है। तो मैंने अभी बात कर दी आपको कि ये रूटीन एक्सपेंडिचर है, इससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, ना ही एसेट को कोई बेचने की बात हो रही है, ना उसको कम करने की बात हो रही है। तो जो लोन रिपेमेंट जब भी होती है एक बड़े धन के रूप में होती है, और मैंने आपको पहले ही बताया जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो एक छोटा धन या कम मनी जो है वो होती है। क्लियर है? तो दो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, नो एसेट क्रिएशन बिकॉज ये एक रूटीन एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा जो ये रूटीन एक्सपेंडिचर होता है उससे कभी भी जो है सरकार का लोन रिपेमेंट नहीं होता है क्योंकि ये मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज होता है। तो अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें क्या लिखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रूटीन एक्सपेंडिचर एंड डू नॉट क्रिएट एसेट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम दूसरी स्टेटमेंट पे आए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लीड्स टू रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी आपको बताया
किससे क्या होता है, रोजमर्रा के जो काम सरकार के होते हैं वही परिपूरित होते हैं, यानी उससे कोई सरकार के ऊपर अगर कोई बड़ी जिम्मेवारी है लोन के रूप में उसकी रिपेमेंट नहीं होती है। तो अगर हम देखें वो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि स्टेटमेंट तो एक ही करेक्ट है, तो हमारे पास दोनों इनकरेक्ट है, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है, एस वन इज करेक्ट वाइल एस टू इज इनकरेक्ट, यानी ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास जो है वो सही हो जाती है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है हमारे पास पहला सवाल समाप्त होता है विद टू एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको नोट डाउन करने की जरूरत है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ और दूसरा सवाल देखते हैं क्या पूछा गया। दूसरा सवाल में पहली स्टेटमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एसेट फॉर द गवर्नमेंट, और स्टेटमेंट टू है कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने दो स्टेटमेंट लिखाई थी उसका अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इससे पिछला सवाल था उसमें जो हमने दो स्टेटमेंट आपको लिखाई थी उसका अगर आप उल्टा कर देंगे तो वो बन जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या, पहले में हमने क्या लिखा था, रूटीन एक्सपेंडिचर है, एसेट का निर्माण नहीं हो रहा है, उल्टा कर दो इसे क्या हो रहा है, एसेट क्रिएशन हो रही है। और दूसरी चीज हमने क्या बोला था कि लायबिलिटीज रिपे नहीं हो रही है। क्यों लायबिलिटीज रिपे नहीं हो रही है, क्योंकि ये रोजमर्रा के काम पे पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन ये रोजमर्रा के लिए खर्च नहीं हो रहा है इसलिए इससे क्या भी हो रही है, लायबिलिटीज अगर कोई सरकार पे है तो उसकी भी रिपेमेंट हो रही है, यानी अगर कोई लोन सरकार ने लिया था तो उसको रिपे करने का काम भी हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार कर सकती है। क्लियर है? तो ये दो स्पेसिफिक कंडीशन जो है हमने आपको बता दी। अब इन दो स्पेसिफिक कंडीशन पे देखते हैं कि जो सवाल पूछा गया है वो इन दो स्पेसिफिक कंडीशन को मीट आउट करता है या नहीं करता है। पहला लिखा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एसेट फॉर द गवर्नमेंट, जो बिल्कुल एक सही बात है। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमारे साथ मिल गई। क्लियर? तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, जो है हमारे पास ऑप्शन सही है। अब ये क्यों सही है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बड़ा एक्सपेंडिचर है, बड़ा एक्सपेंडिचर हाईवे बनाने के लिए हो सकता है, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए हो सकता है, वंदे भारत बनाने के लिए हो सकता है। तो वंदे भारत ने एक्सप्रेसवे क्या होते हैं सरकार के लिए, एसेट का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक्सप्रेसवे बन रहा है तो सरकार उसमें टोल लगा देगी, टोल से सरकार को क्या आने वाला है, जो है उससे पैसों की कलेक्शन या टैक्स का कलेक्शन जो है वो आने वाला है। अगर मैं बात करूं लायबिलिटीज रिपेमेंट की तो सरकार ने बहुत सारी जगहों से जो है लोन लिया होता है अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए, और उन डेवलपमेंट एक्टिविटीज को जब वो फंड कर रहे होते हैं तो वो वापस भी कभी ना कभी करना पड़ता है, यानी लायबिलिटी जो सरकार के ऊपर होती है वो भी एक बड़े धन के रूप में वापस जाना होता है। अब सरकार ऐसा तो है नहीं सरकार 200 रुपए लोन लेगी 500 रुपए लोन लेगी, सरकार जो है कई हजार करोड़ में लोन लेती है। तो मैंने आपको पहली बार इससे पहली स्लाइड में बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक छोटा एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, यानी उस बड़े एक्सपेंडिचर से सरकार के ऊपर अगर कोई जिम्मेवारियां हैं, कोई लोन का बोझ है तो वो भी उसे पूरा किया जा सकता है। ठीक है, ये था हमारा दूसरा सवाल। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ जिसमें भी दो स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है। अब देखते हैं वो स्टेटमेंट में क्या हो रहा है। इन डेफिसिट फाइनेंसिंग इंटरनल बोरिंग लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट, एंड सेकेंड स्टेटमेंट अंडर SLR इंस्ट्रूमेंट ओनली कैश इज रिजर्व विद द RBI। दो स्टेटमेंट है जिसमें एक डेफिसिट फाइनेंसिंग से, दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी से। अगर आप 2022 में सवाल देखें तो इसी तरीके की स्टेटमेंट जो है आपके सामने दी गई है, जिसमें एक डेफिसिट फाइनेंसिंग की स्टेटमेंट है और दूसरी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डेफिसिट फाइनेंसिंग होती क्या है, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग होती क्या है, फॉर एग्जाम्पल जब सरकार का एक्सपेंडिचर उसकी रिसीट से ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जब सरकार का उसकी इनकम से ज्यादा होता है, उस समय उसको उस खर्चे को फाइनेंस करने के लिए पैसा जो है उधार या कहीं से लेना पड़ता है, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। मतलब जब आपका बजट डेफिसिट में चल रहा है, डेफिसिट का मतलब है जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसीट कम है, तब हम उसको बोलते हैं कि आपका जो बजट है वो डेफिसिट में चल रहा है। उस समय जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज को फंड करने की जरूरत होती है, तो जिन एक्टिविटीज से जिन एरिया से वो चीज फंड होती है हम उसको कहते हैं कि हमने जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करी है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग किन किन प्रकार से हो सकती है, वो हो सकता है आपने एक्सटर्नल एड से करी हो,
हो सकता है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से करी हो सकता है वो इंटरनल बोरोइंग से करी हो, और हो सकता है कि वो आपने मनी को प्रिंट करके करी। तो इन चार तरीकों से जनरली जो है सरकार अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने का प्रयास करती है। पहली स्टेटमेंट में लिखा है इन डेफिसिट फाइनेंसिंग इंटरनल बोरोइंग, यानी वो इस तीसरे वाले की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इस तीसरे वाली प्रक्रिया की, इंटरनल बोरोइंग की। इंटरनल बोरोइंग में क्या होता है? इंटरनल बोरोइंग में सरकार जो है, इंटरनल बोरोइंग में सरकार जो है वो जनरली नेशनलाइज्ड बैंक जो देश में होते हैं उनसे जो है वो लोन लेती है। ठीक है, मान के चलो कि जो गवर्नमेंट है उसने जो है SBI या PNB से जो है, पंजाब नेशनल बैंक से जो है वो लोन लिया। अब इन बैंक से क्योंकि सरकार ने लोन ले लिया है, मतलब अब इनके पास प्राइवेट प्लेयर्स को, ठीक है, या अगर हम बोलें कि प्राइवेट कंपनीज को देने के लिए कम पैसा बचेगा। वो क्यों कम बचेगा? क्योंकि इन्होंने जो है वो लोन किसको दे दिया है? सरकार को दिया है। तो जब कम पैसा इनके पास बचेगा, ठीक है, जब कम पैसा SBI PNB के पास बचेगा, इसका मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को मिलेगा भी कम। जब इनको पैसा कम मिलेगा, इसका मतलब है ये ना तो एक्सपेंड कर पाएंगे ना ही जॉब्स दे पाएंगे, जिस वजह से कंट्री में जो इकोनॉमी ग्रोथ है उसके लिए ये प्रोसेस काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मतलब जब सरकार जो है वो सरकारी बैंकों से अपने लिए पैसा ले लेती है, उन सरकारी बैंकों के पास प्राइवेट प्लेयर्स को देने के लिए कम पैसा बचता है, और इस वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना तो वो बिजनेस को एक्सपेंड कर पाते हैं ना नई जॉब क्रिएट कर पाते हैं, जो किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काउंटर प्रोडक्टिव बन जाता है। इस प्रोसेस को हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट का नाम भी देते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या लिखा है? इन डेफिसिट फाइनेंसिंग इंटरनल बोरोइंग लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जो कि एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी मैंने आपको ये दिखा दिया है कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है और कब ये होता है। ये सिर्फ इंटरनल बोरोइंग से ही होता है। दूसरी स्टेटमेंट लिखी है अंडर द SLR इंस्ट्रूमेंट ओनली कैश इज रिजर्व्ड विद द RBI। क्या बोला गया है कि इस SLR इंस्ट्रूमेंट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैश यानी हार्ड करेंसी जो है वो RBI के पास रखी जाती है। हमें आपको पता होगा कि CRR और SLR को कलेक्टिवली जो है वो बैंक्स का रिजर्व रेशो बोला जाता है। CRR और SLR को कलेक्टिवली जो है वो बैंक का रिजर्व रेशो बोला जाता है। CRR में जो है बैंक्स को कुछ एक परसेंटेज में कैश जो है वो RBI के पास रिजर्व में रखना पड़ता है। रिपीट कर रहा हूं, CRR में जो है वो बैंक्स को RBI के पास कैश के रूप में कुछ एक परसेंटेज जो है वो रिजर्व में रखना पड़ता है, जबकि इस SLR में कैश के अलावा अदर लिक्विड एसेट्स, कैश के अलावा अदर लिक्विड एसेट्स भी रिजर्व के रूप में रखे जा सकते हैं। यानी SLR में सिर्फ कैश ही नहीं होता, अदर लिक्विड एसेट जैसे मान लो G-Sec आपके पास हो गया या आपके पास गोल्ड आपके पास होगा हो गया, वो भी जो है वो बैंक जो है वो रिजर्व के रूप में जो है वो RBI के पास रख सकते हैं। इसका मतलब जो स्टेटमेंट टू है जिसमें बोला गया है कि अंडर SLR इंस्ट्रूमेंट ओनली कैश इज रिजर्व विद RBI, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो SLR नहीं CRR के रूप में जो है वो सही होती है, जिस वजह से हमारी स्टेटमेंट टू जो है वो गलत हो जाती है। तो अगर हमारे पास है ऑप्शन सी जिसमें लिखा है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अभी तक हमने जो है वो तीन सवाल जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें ना सिर्फ हमने सही आंसर क्या है वो आपको बताया है, बल्कि उन आंसर तक पहुंचने के लिए क्या क्रम हमने फॉलो किया है वो भी आपसे डिस्कस किया है। उसमें क्या जो है वो बेसिक्स लगे हुए हैं वो भी आपसे डिस्कस किया है, और जो ये स्टेटमेंट बनाई है वो प्योरली जो है वो प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पे बनाई गई है। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन में आपको इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट वन, इन डेफिसिट फाइनेंसिंग एक्सटर्नल एड क्रिएट्स एक्सटर्नल डेट फॉर द गवर्नमेंट। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो इससे पहले कर रहे थे उसी से रिलेटेड हमने एक और सवाल आपके सामने लाए, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकर्स इन ओपन मार्केट ऑपरेशन। पहले स्टेटमेंट वन को डिस्कस जो है हम कर लेंगे। क्या लिखा गया है? इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है प्रीवियस वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं। एक्सटर्नल एड, मैंने आपको बताया था डेफिसिट फाइनेंसिंग को जो है फाइनेंस करने के लिए, यानी जब बजट डेफिसिट में होता है उसको फाइनेंस करने के लिए चार तरीके होते हैं, एक्सटर्नल एड,
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इंटरनल बोरोइंग और प्रिंटिंग मनी। ये वाली चीज हमने इससे पिछली जो स्लाइड थी हमारे पास उस पर हमने डिस्कस कर ली है। अब पूछा गया है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग में जो ये एक्सटर्नल एड है वो सरकार के ऊपर जो है एक्सटर्नल डेट जो है वो क्रिएट करती है। एक्सटर्नल डेट का मतलब होता है कि बाह्य बोझ, अगर हम बोले बाह्य जो है वो सरकार के ऊपर जो है कर्ज जो है, या जिसको मैं बोलूं कि कर्ज के रूप में जो है वो बोझ जो है वो बनाया गया है। जबकि एड का मतलब होता है डू नॉट नीड टू पे, डू नॉट नीड टू पे। इसका मतलब होता है कि अगर एक्सटर्नल एड से कोई भी पैसा सरकार को मिल रहा है तो उसको वापस पे करने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए उसको एक्सटर्नल एड या एक्सटर्नल ग्रांट कहते हैं। और जो ग्रांट और एड के रूप में पैसा मिलता है उसको वापस करने की जरूरत नहीं होती है। तो जब मेरे को कोई पैसा मिला और मुझे वापस करने की जरूरत है ही नहीं तो मेरे ऊपर वो बोझ बनेगा ही नहीं, और जब तक वो बोझ बनेगा नहीं वो एक्सटर्नल डेट कहलाएगा कैसे। कोई भी चीज बोझ तब कहलाती है जब वो बोझ होती है, अगर वो चीज बोझ बनी नहीं है मेरे ऊपर तो वो बोझ कहलाएगा भी नहीं। यानी एक्सटर्नल एड से जो पैसा मिलता है उसको वापस करने की जब जरूरत है ही नहीं तो वो सरकार के ऊपर बोझ बनेगा भी नहीं, और जब बोझ नहीं बनेगा तो हम उसको जो है एक्सटर्नल डेट भी नहीं कह सकते। इसका मतलब जो है पहली स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाती है, क्लियर है। दूसरी चीज लिखी गई है कि सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकर्स इन ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो कि एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल है। अगर मैं आपको बताऊं ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का एक क्वांटिटेटिव टूल है, जिसमें बैंक और आरबीआई के बीच में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल और परचेज होता है, ताकि मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जा सके और इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव किया जा सके। तो जो दूसरी स्टेटमेंट लिखी गई है कि सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकर्स इन ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, जो कि लिखा गया है हमारे पास ऑप्शन डी में। तो यानी हमारा जो चौथा सवाल है उसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि उसमें पहली स्टेटमेंट जो लिखी गई है वो गलत है और जो दूसरी स्टेटमेंट जो लिखी गई है वो सही है। और क्यों सही है उसका विवरण भी मैं आपके सामने दे चुका हूं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि पांचवा सवाल जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। पांचवें सवाल की जो पहली स्टेटमेंट है वो बोलती है इन डेफिसिट फाइनेंसिंग प्रिंटिंग मनी वुड बी हैविंग नो इंपैक्ट ऑन मनी सप्लाई। क्या लिखा गया है, इन डेफिसिट फाइनेंसिंग प्रिंटिंग न्यू मनी वुड बी हैविंग नो इंपैक्ट ऑन द मनी सप्लाई, कि अगर हम मनी को प्रिंट करके अपने बजट डेफिसिट को फाइनेंस करते हैं तो उसका जो है मार्केट में मनी सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी स्टेटमेंट इन मॉनेटरी पॉलिसी कोलैटरल वैल्यू इज रिक्वायर्ड इन रेपो एंड एमएसएफ बट नॉट इन बैंक रेट। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट वन को जो है वो डिस्कस कर लेते। स्टेटमेंट वन में लिखा है कि इन डेफिसिट फाइनेंसिंग प्रिंटिंग मनी वुड बी हैविंग नो इंपैक्ट ऑन मनी सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि अभी हमने डिस्कस किया डेफिसिट फाइनेंसिंग के चार तरीके, एक्सटर्नल एड, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, हमारे पास जो हमने देखा था फिर इंटरनल बोरिंग, और लास्ट में हमने देखा था प्रिंटिंग मनी। तो प्रिंटिंग मनी पे सवाल है तो हम प्रिंटिंग मनी को यहाँ पे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। प्रिंटिंग मनी में क्या होता है कि जब भी बजट डेफिसिट में चल रहा होता है तो गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को कह सकती है कि आप जो है हमारे लिए नई करेंसी जो है उसको क्या कर लो, प्रिंट जो है वो कर लो। मतलब सरकार, केंद्रीय सरकार जो है वो आरबीआई को कह सकती है कि आप हमारे लिए नई करेंसी को प्रिंट कर दो, जिससे हमारे जो बजट में जो डेफिसिट चल रहा है हम उसको पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि सरकार का जो एक्सपेंडिचर है 39 लाख करोड़ का है और सरकार को जो इनकम आ रही है वो आ रही है 22 लाख करोड़, तो कितने का उसमें जो डेफिसिट चल रहा है 17 लाख करोड़ का। कितने का डेफिसिट चल रहा है 17 लाख करोड़ का। अब जो है वो सरकार आरबीआई को कहती है कि आप हमारे लिए 17 लाख करोड़ की जो है वो करेंसी जो है वो प्रिंट कर दीजिए। अब ठीक है, वो प्रिंट होके जो है वो प्रिंट कर देते हैं और प्रिंट करके जो है वो गवर्नमेंट को दे देते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगा इसका, अच्छा आप तो डालेंगे नहीं, वो भी गवर्नमेंट क्या करेगा, इस जो 17 लाख करोड़ है इस मनी को मार्केट में पंप करेगा। मार्केट में जो है
वो पंप करेगा, वो मार्केट में क्यों पंप करेंगे, क्योंकि उनका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट कम है। इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस मार्केट इस 17 लाख करोड़ को जो है मार्केट में पंप करेगी। अब आप मुझे बताओ, मार्केट में 17 लाख करोड़ की एडिशनल करेंसी चली गई है, मार्केट में 17 लाख करोड़ की एडिशनल करेंसी चली गई है। अब वो अगर वो चली गई है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई ना, कि पहले 17 लाख करोड़ कम करेंसी थी, अब मनी आरबीआई ने प्रिंट करके सरकार को दी, सरकार ने वो 17 लाख करोड़ की करेंसी भी जो है जो प्रिंट करके आरबीआई ने दी थी उसको भी जो है वो मार्केट में सप्लाई कर दिया है। और क्योंकि वो मार्केट में सप्लाई हो गई है तो उससे क्या होगा, नई करेंसी मार्केट में चली गई, इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा हो गई। तो पहली स्टेटमेंट क्या लिखा, इन डेफिसिट फाइनेंसिंग प्रिंटिंग मनी वुड बी हैविंग नो इंपैक्ट ऑन मनी सप्लाई, जो कि बिल्कुल गलत है। जब भी मनी को प्रिंट करके सरकार मार्केट में डालेगी उससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, ना कि कम होगी या कोई असर नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। स्टेटमेंट टू, इन मॉनेटरी पॉलिसी कोलेट्रल वैल्यू इज रिक्वायर्ड इन रेपो एंड एमएसएफ बट नॉट इन बैंक रेट, जो एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट सही है, अगर मैं आपको बताऊं, एमएसएफ, रेपो और बैंक रेट, इन तीनों ही केस में क्या होता है कि जो बैंक्स हैं, वो आरबीआई से लोन लेते हैं। तीनों ही टर्म्स में क्या होता है, एमएसएफ में भी, रेपो में भी, बैंक रेट में भी, जो क्या होता है, बैंक्स जो है आरबीआई से लोन लेते हैं। अब आप बोलेंगे अगर तीनों में ही लोन लेते तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करें, यहां पे लोन लिया जाता है शॉर्ट टर्म, या हम बोल सकते हैं वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत छोटे समय के लिए। रेपो रेट में हम लिख सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, और बैंक रेट में जो पैसा बैंक आरबीआई से लेती है वो लेती है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, लंबे समय के लिए। हम बोल सकते हैं कि एमएसएफ के तहत बैंक जो है आरबीआई से बहुत कम समय के लिए जो है वो लोन लेती है, रेपो रेट में शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए लोन लिया जाता है, और बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो बैंक आरबीआई से लोन लेती है। और मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं, ये तीनों ही टूल जो है मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, ये तीनों ही जो टूल्स हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, जिनके द्वारा आरबीआई जो है मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का प्रयास करती है। अब आप बोलेंगे कि अगर आप ये स्टेटमेंट सही बोल रहे हैं, इसका मतलब एमएसएफ में और रेपो रेट में उनको देनी पड़ेगी सिक्योरिटी, कोलेट्रल वैल्यू का मतलब होता है सिक्योरिटी, आप जब भी बैंक से जो है वो लोन लेने जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो देनी पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि आप 10 लाख का लोन चाहते हैं, आप जाएंगे बैंक में और बैंक बोलेगा बिल्कुल आपका तो खाता है इस बैंक अकाउंट में, आप जितना मर्जी लोन ले जाओ, ऐसा तो नहीं होने वाला। आपको कुछ ना कुछ जो है वो सिक्योरिटी कवर वहां पे देना पड़ता है, जिसको बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में हम कोलेट्रल वैल्यू कहते हैं। अब क्या लिखा है कि एमएसएफ और रेपो रेट में चाहिए होगा, बैंक रेट में नहीं चाहिए होगा। आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए तो वो ले रहे हैं, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा देना हो तो वो नहीं ले रहे हैं। अब इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप सभी लोग इस वीडियो को देख के जो अपनी नॉलेज को एनहांस कर रहे हो मुझे पता है। अगर मैं आपको आज बोलूं कि आप लोग जो है मुझे 10,000 दे दो और अगले मंडे को मैं उसके 20 करके आपको दे दूंगा, मतलब 10,000 का 20,000 करके दे दूंगा, तो आपको लग रहा है कि बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं आपको ये देता हूं कि आज आप मुझे 10,000 दे दो, 20 साल बाद मैं आपको 20,000 करके वापस कर दूंगा। ये तीसरे ऑप्शन में तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि अगर मुझे 20 साल बाद 10 के 20 मिलने हैं उतने तो मैं खुद भी कर लूंगा, तो मुझे आपको देने की क्यों जरूरत है। और हो सकता है कि इसमें, अगर इसमें मैं आपको बोलूं कि आपको अगले वीक जो है मैं 20 करके दे दूंगा, तो शायद आप मान भी जाए कि वाह यार, एक हफ्ते के पीरियड में जो है मेरा पैसा डबल, क्योंकि आपके धोखा खाने के चांसेस किस में ज्यादा है, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म। उसी तरीके से बैंक के भी धोखा खाने के चांसेस किस में, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म। कि हो सकता है कि कोई भी जो है वो बैंक से लोन लेने आए कि मुझे 10,000 करोड़ का लोन दे दो, आपको जो है बस अगले 6 महीने में मैं, या अगले 2 महीने में मैं, या अगले 3 दिन में मैं जो हूं आपको मैं इसका डबल करके या इसके 10% इंटरेस्ट रेट पे वापस कर दूंगा। और हो सकता है बैंक्स वाले जो है वो भी झांसे में आ जाए कि वाह यार, 3 महीने में मेरे को इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना मर्जी पैसा मांग रहा है दे दो। यानी अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बोलूं तो रेकलेस लेंडिंग के चांसेस जो है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में अधिक होते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म में अधिक होते हैं। इसीलिए बैंक के भी फंसने के चांसेस शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में ज्यादा होते हैं, इसलिए
आरबीआई मैंडेट करता है बैंक को कि अगर आप एमएसएफ और रेपो रेट के तहत मुझसे लोन लेना चाहते हैं, अगर आप एमएसएफ और रेपो रेट के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आपको क्या देनी पड़ेगी, कोलेटरल देनी पड़ेगी, बैंक रेट में मैं आपसे कोलेटरल मांगूंगा ही नहीं। तो इस वजह से आपका जो पहली स्टेटमेंट थी वो गलत है, दूसरी स्टेटमेंट जो आपके पास सही है। इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमारे पास आता है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है सवाल नंबर छठा। छठा सवाल हमारे पास क्या लेके आता है, स्टेटमेंट वन में लिखा है इन डेफिसिट फाइनेंसिंग एक्सटर्नल बोरोइंग डज नॉट क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग के तीन फॉर्म तो मैं आपको करवा चुका हूं, चौथे फॉर्म का प्रश्न यहां पे आ चुका है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के कितने प्रकार होते हैं, उन चारों प्रकार पे जो आपको क्वेश्चन जो है सामने आपके पास आ गया है, जिसमें हमने आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का भी प्रयास किया। स्टेटमेंट टू कहती है सीआरआर एंड एसएलआर आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिजर्व रेशियो ऑफ बैंक्स। ये चीज इससे दो स्लाइड पहले जो हूं मैं डिस्कस कर चुका हूं, पर फिर से यहां पे मैं डिस्कस करूंगा। पहले करते हैं स्टेटमेंट वन पे बात। फिर से डेफिसिट फाइनेंसिंग का वही चार्ट मैं बना देता हूं, चार भागों में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल एड, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इंटरनल बोरोइंग और लास्ट में हमारे पास आता है प्रिंटिंग मनी। एक दो और ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं और अब जो सवाल आया है यह है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। प्रिंटिंग मनी में मैंने आपको बताया कि इसमें जो है सरकार जो है वो आरबीआई को कहेगी कि आप जो है मेरे लिए करेंसी को प्रिंट कर दीजिए। एक्सटर्नल एड में क्या था, हमें जो है वो मनी तो मिली, लोन तो मिला, पर उसको डजंट नीड टू पे इट बैक, मतलब उसको वापस करने की कोई जरूरत जो है नहीं थी। इंटरनल बोरिंग जब हम देख रहे थे उसमें हमने देखा कि सरकार जो है नेशनल बैंक से लेती है और उससे चांसेस होते हैं कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाए, जो मैंने आपको बताया था कि नेशनल बैंक के पास फिर प्राइवेट प्लेयर्स को देने के लिए कुछ नहीं बच जाएगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है और उससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से क्या होता है कि आप जो है वो वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया और कोई कंट्री से जो है वो लोन लेते हैं पर उसको वापिस करना पड़ता है, नीड टू पे इट बैक, ठीक है, बट देयर इज अ नीड टू पे इट बैक। तो इसका मतलब क्या है, क्या लिखा है, इन डेफिसिट फाइनेंसिंग एक्सटर्नल बोरिंग डज नॉट क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जो कि बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट की सिचुएशन है वो इंटरनल बोरिंग में हो रही है, ना कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ये चार्ट से आप समझ सकते हैं कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट का जो हमने डिस्कशन किया है वो इंटरनल बोरिंग में किया है, ना कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में। तो लिखा भी क्या है, एक्सटर्नल बोरिंग डज नॉट क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जो कि एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट बोलता है कि सीआरआर एंड एसएलआर आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिजर्व रेशियो ऑफ द बैंक, जो अभी भी मैंने डिस्कस किया था कि सीआरआर एसएलआर दोनों में ही जो है वो बैंक्स को कुछ जो है वो रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। सीआरआर में वो जो रिजर्व उसको रखना पड़ता है वो कैश रखना पड़ता है, जबकि एसएलआर में कैश के साथ साथ अदर लिक्विड एसेट भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब, क्योंकि नाम से पता लग रहा है कैश रिजर्व रेशियो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, इसलिए इसको कलेक्टिवली जो है वो बैंक्स का रिजर्व रेशियो जो है वो कहा जाता है, यानी हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट भी हो जाती है करेक्ट, जिसमें हमारे पास आंसर जो है वो ए बन जाता है, जिसमें लिखा है बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। क्लियर है? तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको छठे नंबर क्वेश्चन तक जो है चीजें समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ रहे हैं अपने सातवें सवाल की तरफ और इस सातवें सवाल तक पहुंचते पहुंचते हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग के चारों फॉर्म्स को कंप्लीट कर लिया है। तो सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा है और क्या कहता है, आइए डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट वन में लिखा है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग कुड बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी। इससे पिछली वाली जो हमने स्लाइड देखी उसमें हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग के सारे टाइप देख दिए और यह भी देखा कि हर टाइप में क्या होता है। अब बोला गया उसका एप्लीकेशन, जो हाल फिलहाल के समय में एचपीपीएससी का भी फोकस रहा है कि अब वो ना सिर्फ स्टैटिक नॉलेज पे फोकस कर रहा है बल्कि उसकी एप्लीकेशन पे भी, और ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो सवाल है। पूछा गया है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग कुड बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी। अब मैंने आपको पहले ही बताया डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होगा कि बजट डेफिसिट में चल रहा है, उसको फाइनेंस कर रहा है। उसको फाइनेंस करने का मतलब क्या है कि मार्केट में हमारे पास मनी सप्लाई को बढ़ाना है। मार्केट में क्या होगी, मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। अब वो क्यों बढ़ेगी आप कहेंगे, वही एग्जांपल कि मान लो
39 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है, 22 लाख करोड़ का जो हमारे पास अर्निंग है जिसको बोलते रिसीट है, 17 लाख करोड़ को तो कहीं ना कहीं से फाइनेंस करना पड़ेगा। इसका मतलब है हम जहां मर्जी से फाइनेंस करें, ये 17 लाख करोड़ तो मार्केट में एक्स्ट्रा ही जाने वाला है। और अगर ये मार्केट में एक्स्ट्रा जाने वाला है मतलब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ने वाली है, और जब भी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है तो हम जनरली कहते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो इन जनरल यानी इन जनरल जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है तो मार्केट में इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, और इन्फ्लेशन जो है किसी भी मार्केट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, और इन्फ्लेशन जो है किसी भी मार्केट के लिए किसी भी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अगर भारत के अनुसार अगर हम देखें, अगर वो इन्फ्लेशन 2 से 6% तक है, अगर वो इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में है तो माना जाता है कि वो इन्फ्लेशन पॉजिटिव है, और इसी को ही जो है हम आरबीआई का टॉलरेंस बैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉलरेंस बैंड कहते हैं इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि आरबीआई जो है हर साल लगभग 4% इन्फ्लेशन को टारगेट करता है विद प्लस माइनस 2 के बैंड के साथ, यानी 2 से लेकर 6% तक जो है इन्फ्लेशन जो है आरबीआई भी अच्छा मानता, लेकिन जैसे ये इससे अधिक बढ़ता है ये इन्फ्लेशन क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपकी सेविंग्स कम होगी, आपकी सेविंग्स कम होगी आपकी स्पेंडिंग पावर कम होगी, आपकी स्पेंडिंग पावर कम होगी आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है सरकार के पास टैक्स कलेक्शन कम आता है, आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है तो काफी सारी कंपनीज को पैसा नहीं मिलता है जो वो काउंटर प्रोडक्टिव जो है फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हो सकता है। और पॉजिटिव की अगर हम बात करें, 2 से 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन बनी हुई है इसका मतलब क्या होता है? मार्केट में डिमांड है। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है तो बिजनेसेस एक्सपैंड करने का प्रयास करते हैं, और जब वो एक्सपैंड करने का प्रयास करते हैं तो ना सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ती है बल्कि जॉब ग्रोथ भी बढ़ती है, जिस वजह से किसी भी इकॉनमी के लिए इन्फ्लेशन पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इन्फ्लेशन इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर द इकॉनमी, बट डिपेंड करता है कि क्या वो इस टॉलरेंस बैंड में है या उस टॉलरेंस बैंड के बाहर है। तो इसका मतलब इन डेफिसिट फाइनेंसिंग कुड बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर द इकॉनमी, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग से मनी सप्लाई बढ़ती है और मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन बढ़ता है, और अगर वो इन्फ्लेशन टॉलरेंस बैंड में है तो पॉजिटिव है, टॉलरेंस बैंड से बाहर है तो वो नेगेटिव है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है बाय इंक्रीजिंग सीआरआर एंड एसएलआर रेट आरबीआई कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट। अभी हमने इससे पहले स्लाइड में बोला कि जो सीआरआर और एसएलआर है वो रिजर्व रेशियो होता है। क्या होता है ये? रिजर्व रेशियो जो है वो होता है जो बैंक को, इन शॉर्ट में बोलूं तो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, मान के चलते हैं कि सीआरआर की जो लिमिट है वो है 4% और एसएलआर की लिमिट है 32%, यानी कितना टोटल रिजर्व में रखना है? 36%, बचा कितना? 64%, यानी इस 64% को जो है वो बैंक जो है वो मार्केट में डाल सकते हैं। लेकिन क्या किया, अब इंक्रीज जो है लिमिट जो है आरबीआई ने कर दी, मान के चलो 4 की जगह लिमिट कर दी 6 और 32 की जगह कर दी ये 36, अब कितना हुआ कलेक्टिवली 44%, तो बचा कितना बैंक्स के पास? 56%। पहले कितना था मार्केट में पैसा डालने को? 64%, अब कितना बचा है? 56%, यानी कितने की कमी आई है? 8% की। 8% की क्या आई? मार्केट में पैसे की कमी। तो अगर मार्केट में पैसे की कमी आ रही है तो मनी सप्लाई क्या होगी? कम होगी, जो लिखा क्या है? इंक्रीज है। यानी इसका मतलब जो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास दी है वो गलत दी है। क्यों गलत दी है? इस कैलकुलेशन से हम समझ सकते हैं। एक बार फिर समझा देता हूं, सीआरआर एसएलआर जो है वो रिजर्व रेशियो होता है। मान के चलो सीआरआर जो है 4% अभी चल रहा है, एसएलआर 32% चल रहा है, कलेक्टिवली मिलाएंगे तो 36% हो जाता है, 100 से माइनस करेंगे 36 को तो 64 बचता है, यानी 64% की वैल्यू जो है वो मार्केट में डाल सकता है। अब क्या हुआ कि बाय इंक्रीजिंग द सीआरआर एंड एसएलआर लिमिट, अब वो इंक्रीज होगी ये लिमिट, तो मान के चलो सीआरआर 6 होगी, एसएलआर हमारे पास 36 होगी, तो ये हो गया 44%, 100 से 44 माइनस करेंगे तो 56%, इसमें अगर डिफरेंस देखें तो 8% का मार्केट में डिफरेंस मनी सप्लाई के रूप में आ गया है, यानी दूसरे केस में मार्केट में 8% की जो सप्लाई है वो कम हो गई है, इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी? कम होगी, और ये हमारे पास जो दूसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये जो है इस सवाल का सही जवाब है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो है 8वां सवाल हमारे पास, देखते हैं ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है या हमारे पास
क्या बोलती है, स्टेटमेंट वन क्या बोलती है, इन डेफिसिट फाइनेंसिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग नॉट ओनली इंक्रीज एक्सटर्नल डेट बट ऑल्सो अफेक्ट द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द गवर्नमेंट। कि जो हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर रही है उससे ना सिर्फ सरकार पे जो है बाहरी बोझ बढ़ रहा है बल्कि उससे सरकार की क्रेडिट रेटिंग भी खराब हो रही है। और दूसरी चीज क्या बोलती है, रेशनिंग एंड मॉरल सुइजन इज क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, इज क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मनी सप्लाई। पहले देखते हैं स्टेटमेंट वन, फिर से आ जाते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग पे। तीन चार भागों में हमने डिवाइड किया था, एक्सटर्नल एड, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इंटरनल बोरिंग और हमने देखा था प्रिंटिंग मनी। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पे अब हम फोकस करें। अब मैंने आपको अभी भी लिखा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का मतलब होता है वी नीड टू पे इट बैक, वी नीड टू पे इट बैक। इसका मतलब है हमें इसे वापिस करने की जरूरत है। वापिस करने की जरूरत का मतलब है कि सरकार के ऊपर बोझ बना रहेगा, बोझ बने रहने का मतलब है उनके ऊपर एक्सटर्नल डेट बना रहेगा। दूसरी चीज, इससे सरकार की क्रेडिट रेटिंग भी अफेक्ट होती है। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, ये होता है किसी भी सरकार की लोन को रिपे करने की एबिलिटी, उस पे जो है सरकार की क्रेडिट रेटिंग डिसाइड होती है। कि कोई भी सरकार की लोन को रिपे करने की कितनी एबिलिटी है उस पे जो है सरकार की क्रेडिट रेटिंग डिसाइड होती है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी सरकार बार बार जो है लोन लेते जा रही है, उसकी रिपेमेंट एबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसके ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। और अगर किसी चीज का बोझ बढ़ता जा रहा है तो उसको वापस करने की जो एबिलिटी है वो कम होती है, यानी क्रेडिट रेटिंग सरकार की कम या खराब जो है वो दोनों होती है। तो क्या लिखा गया है, इन डेफिसिट फाइनेंसिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग नॉट ओनली इंक्रीज एक्सटर्नल डेट बट ऑल्सो क्रिएट्स ऑल्सो अफेक्ट्स क्रेडिट रेटिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो कि बिल्कुल सही है कि क्रेडिट रेटिंग भी अफेक्ट होगी और उस पर जो है एक्सटर्नल डेट बाहरी बोझ भी जो है वो बढ़ेगा। दूसरी स्टेटमेंट है रेशनिंग एंड मॉरल सुइजन इज क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव टूल्स की बात करें तो उसमें कौन कौन से टूल्स आते हैं, लोन टू वैल्यू रेशियो आता है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल आता है, रेशनिंग हमारे पास आता है, मॉरल सुइजन आता है और डायरेक्ट एक्शन आता है। ये मिलके जो है पांच आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव टूल्स बनते हैं। तो अगर हम देखें तो रेशनिंग और मॉरल सुइजन, यानी रेशनिंग और मॉरल सुइजन दोनों ही जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की क्वालिटेटिव टूल्स का पार्ट है। तो इसका मतलब हमारे पास जो स्टेटमेंट टू है वो भी करेक्ट होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि रेशनिंग और मॉरल सुइजन क्या होता है, रेशनिंग में क्या होता है, इट्स लाइक अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है वो बैंक्स को मैंडेट करता है कि कुछ एक सेक्टर्स को आपको जो है वो दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले ज्यादा पैसा देना है। और मॉरल सुइजन में क्या होता है कि बैंक्स को मॉरली परसुएड करने की कोशिश होती है कि आपको जो है बैंक्स के द्वारा डिसाइडेड लेंडिंग नॉर्म्स को फॉलो करना है। क्लियर है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। इसके साथ हमारे बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, जो का जो ऑप्शन है वो इस सवाल में सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट सवाल आज के, जिसमें भी हमारे पास दो स्टेटमेंट दी गई है और उन दो स्टेटमेंट पे जो है हम अब डिस्कस करेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन फ्यूल अप इन्फ्लेशन इन द कंट्री। एंड स्टेटमेंट टू, डिफ्लेशन इज स्लोइंग डाउन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। दो स्टेटमेंट दी गई है जिसमें एक जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग से है और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो इन्फ्लेशन से। ये हमने ऐसा इंटरलिंकिंग इसका क्यों किया, क्योंकि पहली स्टेटमेंट में भी अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन की बात हो रही है और वो पूछ रहा है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा कैसे इन्फ्लेशन हो रही है, और दूसरी स्टेटमेंट में वो डायरेक्टली एक टाइप पूछ रहा है और उसकी डेफिनेशन हमारे पास दे रहा है और पूछ रहा है कि जो ये मैंने डेफिनेशन दी है वो सही है या नहीं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या हो रहा है, कैन फ्यूल अप इन्फ्लेशन इन द मार्केट, जो अभी भी मैंने डिस्कस किया पिछले से पिछली वाली स्लाइड में, कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होता है, मार्केट में जो है वो मनी सप्लाई हमारे पास बढ़ती है, मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि बजट डेफिसिट को जो है सरकार जो है किसी और रूप से फाइनेंस करने की कोशिश कर रही है, जिसमें हमने एग्जांपल भी दिया था कि 29 लाख करोड़ का समझ लो एक्सपेंडिचर है, 22 लाख करोड़ की सरकार की अर्निंग है, तो 17 लाख करोड़ का तो डेफिसिट है ही है। अब 17 लाख करोड़ कहीं ना कहीं से सरकार अरेंज करेगी, उसको मार्केट में डालने का प्रयास करेगी, और जब भी वो मार्केट में डालने का प्रयास करेगी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या, हमने इन जनरल बोला कि जब भी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, जो कि पहली स्टेटमेंट को चरितार्थ या
रियलाइज जो है वो करती है, यानी पहली स्टेटमेंट हमारे पास सही है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास लिखी है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इन्फ्लेशन, ठीक है, आप कहेंगे इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमारे पास जो उत्पाद हैं और जो सेवाएं हैं उनमें के प्राइसेस में अगर राइज हो रहा है तो हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन है। फिर डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन होता है डिक्लाइन इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिक्लाइन कितना? कि इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव का मतलब है इन्फ्लेशन जीरो से भी नीचे चला जाए। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिफ्लेशन क्या होता है? डिक्लाइन इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और कितना डिक्लाइन? इतना डिक्लाइन कि इन्फ्लेशन जो है आपके पास नेगेटिव बन जाए, मतलब जीरो से भी नीचे चली जाए। और तीसरी एक स्टेटमेंट इसमें होती है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है स्लोइंग डाउन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? स्लोइंग डाउन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब समझ के चलो कि 2016 में मान लो 4% इन्फ्लेशन है, 2017 में वो हो जाती है 3%, 2018 में हो जाती है 2%, और 2019 में हो जाती है 1%। अगर आप देखेंगे तो हर क्रम में इन्फ्लेशन जो है वो स्लो डाउन हो रही है लेकिन पॉजिटिव बनी हुई है, उसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। सो डिसइन्फ्लेशन इज स्लोइंग डाउन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन बट इन्फ्लेशन रिमेन्स पॉजिटिव। इसका मतलब है जो ये डेफिनेशन दी गई है ये डिफ्लेशन की नहीं है, ये डिसइन्फ्लेशन की है। यानी स्टेटमेंट टू जो है हमारे पास जो है वो गलत हो जाता है, जबकि स्टेटमेंट वन सही है। यानी स्टेटमेंट वन इज करेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, जो है हमारे पास सही जवाब इस सवाल का हो जाता है। बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल की तरफ जो कि आपके स्क्रीन पे अब आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट सवाल हमारे पास क्या बोलता है? लास्ट सवाल में पहली स्टेटमेंट है कोर इन्फ्लेशन इज नॉन फूड एंड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जो है वो नॉन फूड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन है। आरबीआई यूजेस कोर इन्फ्लेशन फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। यानी ये जो सवाल है इन्फ्लेशन से आपके पास पूछा गया है। तो अगर हम बात करें कि कोर इन्फ्लेशन सबसे पहले क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन हमारे पास जो है ऐसा इन्फ्लेशन होता है जिसमें फूड और फ्यूल के प्राइसेस जो है एड ऑन नहीं होते हैं। कोर इन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन होता है जिसमें फूड और फ्यूल के प्राइसेस जो है एड ऑन नहीं होते हैं। मतलब पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है? नॉन फूड एंड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन, जो कि एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जिसमें फूड और फ्यूल के जो प्राइसेस होते हैं उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, उसको एड ऑन नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कोर इन्फ्लेशन इज नॉन फूड एंड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? आरबीआई यूजेस कोर इन्फ्लेशन फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन की लगभग फिक्स परसेंटेज को टारगेट कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि आरबीआई भी नहीं, ये पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है जो टारगेट करती है, बट इन जनरल हम बोलते हैं कि आरबीआई टारगेट कर रही है। आरबीआई जो 4% को टारगेट कर रही है विद प्लस माइनस 2%, पर ये 4% किसका? ये करता है ये सीपीआई का 4%, विच इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एंड सीपीआई और जो डब्ल्यूपीआई होता है ये हेडलाइन इन्फ्लेशन का पार्ट होता है। किसका? हेडलाइन इन्फ्लेशन का पार्ट होता है, ना कि कोर इन्फ्लेशन का। सो आरबीआई यूजेस हेडलाइन इन्फ्लेशन फॉर टारगेटिंग, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स आता है, ना कि कोर इन्फ्लेशन को यूज करती है। इसका मतलब है स्टेटमेंट टू हमारे पास गलत है, बिकॉज आरबीआई यूजेस हेडलाइन इन्फ्लेशन फॉर टारगेटिंग एंड नॉट कोर इन्फ्लेशन। क्लियर नहीं क्लियर है? यानी दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली आपके पास जो है वो सही है। इसका मतलब है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट टू जो है हमारे पास इनकरेक्ट आ जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत मजेदार लगी होगी, और अगर मजेदार लगी होगी तो आने वाली क्लासेस के लिए भी आपको जो है इसी तरीके से बने रहना है, ताकि आपके जो टॉपिक है वो बेसिक से कवर हो सके, आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल सके, आप तैयारी के साथ साथ अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को भी बेहतर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।